Today I am going to teach 5th lesson of biology and class 12 and the chapter is principle of inheritance and variation and this topic is discussed in genetics. So what is genetics? In this video we will discuss about genetics, inheritance and variation. So let's start this video. What is inheritance and variation and the topic is genetics. So, इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले जो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी और ये चैप्टर है जेनेटिक्स इसके बारे में डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर एक मेन पॉइंट है जेनेटिक्स को डिटेल में जानने से पहले हमें एक छोटे छोटे टर्म्स को जानना बहुत ही जरूरी है तो सबसे पहले आपका एक छोटा सा टर्म आता है हेरिडिटी ये क्या होता है हेरिडिटी इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं पहले तो हेरिडिटी क्या है रिसेम्बलेंस बिटवीन ऑफस्प्रिंग एंड देयर पेरेंट्स मतलब क्या है कि हेरिडिटी की अगर हिंदी देखी जाए तो हेरिडिटी का मीन्स होता है वंशानुक्रम ठीक है तो यहाँ पर देखा जाता है कोई भी अगर ऑफस्प्रिंग है और उसके पेरेंट्स के बीच की जो सिमिलरिटीज होती है यानी कि जो चीजें रिसेम्बल करता है जो कैरेक्टर उसे ही हम क्या कहते हैं हेरिडिटी कहते हैं ठीक है यहाँ पर आपका जो दिया गया है हेरिडिटी के बारे में कि रिसेम्बलेंस बिटवीन ऑफस्प्रिंग एंड देयर पेरेंट्स यानी कि जो कोई पेरेंट है अगर पेरेंट है और यहाँ पे क्या है ऑफस्प्रिंग है दोनों के बीच में एक कोई कैरेक्टर क्या और मैच कर रहा है और इसी कैरेक्टर को क्या कहेंगे हम यहाँ पर हेरिडिटी का नाम देते हैं या वंशानुक्रम का नाम देते हैं मान लो कि अगर कोई पेरेंट है या मदर हो या फादर हो उसके हेयर के कलर क्या है अगर हेयर की कलर की बात करते हैं तो ये क्या है ब्लैक है तो अगर चाइल्ड जो आता है या ऑफस्प्रिंग है उसके भी हेयर का कलर कैसा हो जाता है ब्लैक होता है तो ये इसके कैरेक्टर्स क्या हो रहे हैं रिसेम्बल कर रहे हैं और इसी चीज को हम क्या कहते हैं हेरिडिटी कहते हैं सो नेक्स्ट आवर टॉपिक इज इनहेरिटेंस क्या होता है इनहेरिटेंस ठीक है दिया क्या है कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी वही चीज है यहाँ पर लेकिन टर्म आपका थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर है कि ऐसे कैरेक्टर जो क्या पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसमिट कर दिए जाए उसको हम क्या कहते हैं इनहेरिटेंस कहते हैं नेक्स्ट आवर टॉपिक इज वेरिएशन अब यहाँ पर दिया गया है कि वेरिएशन का मतलब क्या है कि विभिन्नता मतलब क्या है कि कोई भी ऐसे कैरेक्टर्स जो पेरेंट से क्या हो मिले लेकिन ऑफस्प्रिंग में आते आते क्या हो जाए वो एक दूसरे से डिफर कर जाए जैसे मान लो कि अगर कोई पेरेंट है या मदर हो या फादर हो तो जैसे कि अगर मान लीजिए कि फादर की हाइट क्या है बहुत ही ज्यादा है और मदर की हाइट थोड़ी सी कम है लेकिन अगर ऑफस्प्रिंग की अगर हम बात करते हैं चाइल्ड की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि अगर मीडियम हाइट मिल जाता है यानी कि वो ना ही फादर पे जाता है यानी कि उसकी हाइट ना ही बहुत ही ज्यादा हो और ना ही बहुत कम हो एज जस्ट लाइक अ मदर तो ये दोनों से क्या हो रहा है बिल्कुल डिफर कर जाता है तो यही क्या हो जाता है उसका वेरिएशन हो जाता है तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में जो डिफरेंस मिलता है उसको हम क्या कहते हैं वेरिएशन कहते हैं तो ये आपके तीन टर्म हो गए इन जेनेटिक्स में अब आपको पढ़ना है कि अगर जेनेटिक्स में छोटे छोटे जो टर्म्स है इसको हमने जान लिया अब यहाँ पर आपका जो टॉपिक आता है जेनेटिक्स क्या होता है जेनेटिक्स इसके बारे में पढ़ते हैं जेनेटिक्स जो आपका है कि स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन जेनेटिक्स क्या है इसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशन की क्या करते हैं स्टडी करते हैं हेरिडिटी हमने आपको बताया कि जो रिसेम्बलेंस हो यानी कि जो सिमिलरिटीज पाई जाए पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में और वेरिएशन यानी कि यहाँ डिफरेंस पाया जाए तो हमें पढ़ना क्या है कि पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में क्या डिफरेंसेस पाई जा रही है और क्या सिमिलरिटीज पाई जा रही है और इन सब की अगर स्टडी करते हैं तो ये किस में आता है आपका जेनेटिक्स में आता है ये आपका हुआ जेनेटिक्स ठीक है अब यहाँ बात आती है कि अगर कोई चीज अगर हम स्टडी कर रहे हैं अगर बायोलॉजी हम स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ फादर की बात करते हैं तो उसी तरह यहाँ जेनेटिक्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि जेनेटिक्स अगर है तो किसने दिया था आखिर इसके फादर कौन है ठीक है तो यहाँ पर अगर देख रहे हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स अगर देखेंगे तो यहाँ पे फादर कौन हो जाता है यहाँ पर एक नाम आता है आपका ग्रेगर जॉन मेंडल ग्रेगर जॉन मेंडल ये एक साइंटिस्ट है इनको हम क्या कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स मॉडर्न जेनेटिक्स के लिए अगर फादर पूछते हैं तो भी इन्हीं का नाम आता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स यानी कि जो जेनेटिक्स तो है इनके फादर मेंडल है मॉडर्न जेनेटिक्स का अगर पूछता है तो भी इनके फादर कौन है मेंडल ही है लेकिन अगर एक्सपेरिमेंटल पूछता है एक्सपेरिमेंटल अगर फादर पूछता है तो अगर यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ मॉर्गन का नाम आता है ठीक है मॉर्गन का नाम यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स तो इनका पूरा नाम है टी एच मॉर्गन अगर शॉर्ट में बात की जाए तो इनका नाम होता है मॉर्गन अब यहाँ पर आपका आता है कि दो अगर साइंटिस्ट मिल गए आपके कि फादर ऑफ जेनेटिक्स एंड मॉडर्न जेनेटिक्स इज द
ग्रेगर जॉन मेंडल। और सेकेंड आपका है कि एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर कौन हुए, टीएच मॉर्गन, या आप मॉर्गन कह सकते हो। तो नेक्स्ट आपका जो आता है कि जो जेनेटिक्स के फादर हैं, इन्होंने कौन से ऐसे प्लांट पर या कौन से ऐसे एनिमल पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, कैसे इन्होंने जेनेटिक्स के बारे में डिस्कवरी की, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि मेंडल है, ये इन्होंने क्या किया था, एक प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था। उस प्लांट का नाम है पी प्लांट, ठीक है। अब पी प्लांट भी जो है ये क्या है, गार्डन पी पर किए थे, गार्डन पी, ठीक है। और इसका नाम होता है, बॉटनिकल नेम देखेंगे तो इसका नाम होता है पार्सल सटाइवम, ठीक है, ये इसका नाम हो गया, जिस पर इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था और जेनेटिक्स के बारे में इन्होंने लॉज वगैरह दिए थे। नेक्स्ट आपका आता है मॉर्गन। मॉर्गन ने क्या किया था, एक एनिमल्स यानी इंसेक्ट पर किया था, और इस इंसेक्ट का नाम है ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, टीएच मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स यानी एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला इंसेक्ट पर। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया कि जेनेटिक्स में हमें करना क्या है, कौन कौन से हमें टर्म दिए गए हैं, हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, वेरिएशन, एंड जेनेटिक्स में हमें किसकी स्टडी करनी है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कौन है, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर कौन है, और इन्होंने किस प्लांट या किस एनिमल या इंसेक्ट पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। सो यहाँ तक हमने आपको बता दिया। और जो चैप्टर आपका जो दिया गया है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, सो इन दिस चैप्टर वी विल कवर्ड द टॉपिक, एंड टॉपिक इज मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे, फर्स्ट आपका दिया गया है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, सेकेंड टॉपिक इज इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, यानी कि जो इनहेरिटेंस है वो वन जीन के लिए क्या होता है, सेकेंड इज इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन के लिए इनहेरिटेंस क्या है, नेक्स्ट इज व्हाट इज सेक्स डिटरमिनेशन, एंड लास्ट टॉपिक इज जेनेटिक डिसऑर्डर। सो इतने टॉपिक्स हम क्या करेंगे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक इज मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक, व्हाट इज मेंडल्स लॉ एंड देयर इनहेरिटेंस। सो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि व्हाट इज द मेंडल्स लॉ एंड देयर इनहेरिटेंस। जैसे कि आप जान रहे हो कि मेंडल ने क्या किया था, कि पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था 7 ईयर्स के लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मेंडल्स कंडक्ट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी फॉर 7 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं कि मेंडल्स ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो गार्डन पी पे किए थे, और ये गार्डन पी का आपका बॉटनिकल नेम पूछा जा सकता है, विच इज पाइसम सटाइवम। और यहाँ दिया गया है कि जो 7 ईयर्स थे, ये 7 ईयर्स आपसे पूछा जा सकता है कि कब से कब तक, तो 1856 से लेकर 1863 तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पर, और उन्होंने क्या किया था, एक लॉ को प्रपोज किया था, एंड दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और इसी लॉज को क्या कहा गया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहा गया, जो लिविंग बींग्स में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, ठीक है। और इसी लॉज को क्या किया गया कि जो भी अगर मेंडल ने जो प्रपोज किया था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जब तक वो अलाइव थे तो उनके लॉज को क्या किया गया, अप्रूवल नहीं मिला, क्योंकि वो मैथ्स के या मान लीजिए कि जो भी फिजिक्स वगैरह थे वो उनके साइंटिस्ट थे, उनके बारे में वो स्टडी करते थे, लेकिन बाय चांस उन्होंने क्या किया कि बायोलॉजी के बारे में स्टडी करना स्टार्ट कर दिया, तो बाकी जितने भी साइंटिस्ट थे उन पर बिलीव नहीं किए। वो ये कहते थे कि मतलब जो भी ये मैथ के हैं, ये इन्होंने मैथ की स्टडी कर रखी है, तो ये सब चीजें उनके लिए क्या है, अप्रूवल नहीं दी जाती है उनको। लेकिन जब उनकी डेथ हो गई, ठीक है, जब मेंडल्स की डेथ हो गई, तो ये लॉज जो उन्होंने देकर गए थे, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उसके बारे में एक बार विचार किया गया कि क्या ये लॉज सही है या नहीं। तब देखा गया कि ये जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में उन्होंने प्रपोज किया था, ये बिल्कुल क्या होता है, सही माना गया जब उनकी डेथ हुई। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि मेंडल्स लॉ जो दिया गया था पी प्लांट पे, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, अब वो पी प्लांट ही क्यों चूज किए, क्योंकि इस अर्थ पे प्लांट्स का देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनपे वो एक्सपेरिमेंट इजीली कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया, इसका रीजन देख लेते हैं। बिकॉज फर्स्ट रीजन क्या है कि ये पी प्लांट जो होता है ये सेल्फ पॉलिनेटेड होता है। ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड होता है, मीन्स क्या है कि अगर कोई भी पी प्लांट है, सपोज ये कोई पी प्लांट है, यहाँ पर आपका दिया गया है कि अगर ये पी प्लांट है तो यहाँ पर अगर कोई भी आपका फ्लावर लगा है तो इसमें मेल और फीमेल दोनों पाए जाएंगे। तो यहाँ पर जो पॉलिनेशन होता है वो क्या हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, कहीं पर इसको अलग से
प्लांट को या इसके मेन पार्ट को जाने की जरूरत नहीं है, पॉलिनेशन अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट होता है। आपका जो दिया गया है कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन तो होता है, लेकिन साथ ही में हम ये भी देखते हैं कि पी प्लांट में भी क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। सेकंड आपका दिया गया है कि जो पी प्लांट होता है ये इसकी लाइफ स्पैन जो होती है वो बहुत ही शॉर्ट होती है। जैसे कि ये पी प्लांट जो होता है वो एनुअल, ठीक है, यानी कि एक ही वर्ष में एक ही ईयर में ये क्या करता है पूरे अपनी लाइफ स्पैन को कवर कर लेता है। अगर पी के सीड को हम अगर ग्रो करवाते हैं तो मान लीजिए कि आज अगर ग्रो करवाएं तो अप टू 6 मंथ्स के अंदर उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। इसलिए भी उनका ये रीजन था कि उन्होंने पी प्लांट को चूज किया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो दिया गया है कि सीड्स इजिली टू हैंडल, यहाँ दिया गया है कि जो भी पी प्लांट होते हैं उसके सीड्स को हम इजिली क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। मतलब क्या है कि अगर कोई भी सीड है, जैसे कि मान लीजिए कि पी प्लांट की अगर सीड है तो यहाँ पर उन्होंने पी प्लांट ही चूज किया है फॉर द एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो सीड्स होते हैं इजिली अवेलेबल हो जाते हैं, कहीं पर ये मिल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि वेराइटीज आर अवेलेबल विथ ऑब्जर्वेबल अल्टरनेट फॉर्म्स फॉर अ ट्रेड, यहाँ दिया गया है कि अगर पी प्लांट को अगर देखा जाए तो उसमें वेराइटीज बहुत सारी पाई गई, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया था 7 ईयर्स के लिए किया था, 7 ईयर्स उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया और एक लॉ को प्रपोज किया, और ये लॉ क्या था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस था, ये लॉ उन्होंने प्रपोज किया था। तो इस पी प्लांट में बहुत सारी वेराइटीज अवेलेबल रहती है, और इस ट्रेड के लिए कोई भी एक अगर ट्रेड है, कोई एक लक्षण है, तो उसके लिए बहुत सारी वेराइटीज है। सपोज कि एक पी प्लांट है तो उस पी प्लांट की हाइट, तो अगर हाइट को देखा जाए तो उन्होंने सबसे पहले एक पी प्लांट लिया था उसकी हाइट को देखा था, यानी कि कोई अगर पी प्लांट है तो वो हाइट में क्या है, एक टॉल लिया और एक डॉर्फ लिया था, तो ये कैरेक्टर हो गया। सेकंड है कि अगर उसकी पॉड है तो पॉड का कलर एक ग्रीन है, देन सेकंड वन इज येलो। नेक्स्ट सीड का जो शेप है, शेप अगर देखा जाए तो शेप में एक क्या था, राउंडेड शेप, ठीक है, ऐसे राउंड शेप, और सेकंड वन इज रिंकल्ड शेप। तो ऐसे करके उन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए थे फॉर देयर एक्सपेरिमेंट। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को चूज किया और उसने 7 कैरेक्टर्स इन्वॉल्व किए थे जिससे वो एक लॉ को प्रपोज किए थे, ऑब्जर्व किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने पी प्लांट क्यों चूज किया गया था इसके बारे में। नेक्स्ट है कि पी प्लांट जो होता है वो कहीं पर भी छोटे सा अगर स्पेस भी है, गार्डन भी है, तो वहां पर इजिली हम क्या कर सकते हैं, पी प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं। तो ये सब रीजंस हो गए आपको कि पी प्लांट को मेंडल ने क्यों चूज किया था। तो ये आपके जितने भी रीजंस है, ठीक है, ये आपके रीजंस हो गए कि पी प्लांट को मेंडल ने क्यों चूज किया था। नेक्स्ट है कि अगर मेंडल्स लॉ अगर हम पढ़ रहे हैं तो मेंडल्स ने सबसे पहले जो लॉज दिए थे वो 3 लॉज दिए थे। कौन कौन से लॉज थे इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जो बताया गया था कि मेंडल्स प्रपोज 3 लॉज ड्यू टू इनहेरिटेंस, एंड फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड वन इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस तरह करके उन्होंने मेंडल ने 3 लॉज दिए। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि वॉट इज मेंडल्स लॉ एंड वॉट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल्स लॉ, एंड द फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। जो मेंडल ने लॉज दिए थे 3 लॉज, तो उसने फर्स्ट लॉ जो था आपका वो क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये डोमिनेंस क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है कि मेंडल्स ने जो लॉ दिए थे फर्स्ट लॉ, ये इसको हम नाम देते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंसी का कैरेक्टर ये शो कर रहा है। तो इसमें होता क्या है कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड, ये आपको जो पॉइंट मैं बता रही हूँ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पॉइंट्स, ये आपके लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसके बारे में दिया गया है कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट इज कॉल्ड एज फैक्टर। यहाँ पर जो फर्स्ट लॉ है तो उसमें क्या होते हैं कि जो भी कैरेक्टर्स कंट्रोल किए जाते हैं किसके द्वारा, डिस्क्रीट यूनिट्स के द्वारा, यानी कि छोटे छोटे यूनिट्स के द्वारा। बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जिसको मेंडल ने डिस्कवर नहीं किया था, और डिस्कवर अगर कर भी लिया है तो उसको एक परफेक्ट नाम नहीं दिया गया था, ठीक है। तो अगर डिस्क्रीट यूनिट है, यानी कि मान लीजिए कि अगर आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनका अलग अलग फंक्शन है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हेयर है तो हेयर का कलर कैसा है, ब्लैक, किसी का ब्राउन है, किसी का व्हाइट है, तो ऐसे करके अलग अलग कलर्स हैं। उसी तरह जीन्स, ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ये कौन कैरी करता है, जीन्स कैरी करते हैं। लेकिन मेंडल को ये नहीं पता था कि जो हमारी बॉडी में कोई भी कैरेक्टर को अगर कंट्रोल किया जा रहा है, उन्हें बस पता था कि ये किस फॉर्म में है, डिस्क्रीट यूनिट के फॉर्म में, और इस डिस्क्रीट यूनिट को ही मेंडल ने क्या कहा था, फैक्टर कहा था, ठीक है,
फैक्टर। उन्हें जीन्स के बारे में नहीं पता था, ना ही उन्होंने जीन का नाम दिया। जीन का नाम किसी अदर साइंटिस्ट ने दिया था, उन्होंने जीन का नाम क्या दिया था? फैक्टर। ठीक है, तो इस तरह करके आपका हो गया कि कैरेक्टर्स जो होते हैं वो डिस्क्रीट यूनिट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था? फैक्टर। सेकेंड आपका दिया गया है कि जो फैक्टर्स होते हैं वो पेयर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, जो फैक्टर्स होते हैं या जीन जो होते हैं, जीन तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि जीन नाम जो है ये मेंडल ने नहीं दिया था। जीन जो पाए जाते हैं वो पेयर फॉर्म में होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई हेयर का कलर है ब्लैक, तो ब्लैक के लिए क्या होते हैं? डबल जीन, ऐसे पाए जाएंगे पेयर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है कि इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन ऑफ द पेयर इज डोमिनेट्स टू अदर। मान ली प्लांट का अगर लेते हैं तो ये कैरेक्टर क्या है? टी। टी से क्या हो गया? टॉल। तो अगर टी और कैपिटल टी, ये किसको डिनोट कर रहा है? टॉल कैरेक्टर को। लेकिन अगर ड्वार्फ की बात करते हैं तो ये स्मॉल टी से हम देख लेते हैं, तो स्मॉल टी को हम क्या कहेंगे? ड्वार्फ। ठीक है, लेकिन इसी को अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो आपको मिलेगा क्या? कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन ये जो प्लांट बनता है वो कैसा बनता है? टॉल ही बनता है। तो इसमें आपको यही देखने को मिल रहा है, जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है ये क्या कर रहा है? एक दूसरे को क्या कर रहा है? डोमिनेट कर दे रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको यही मिल जाएगा कि अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा करेक्टर, जनरली हम क्या करते हैं, अगर प्लांट की हाइट लेते हैं, फर्स्ट वन इज, एक मैं आपको रफली डायग्राम बता दे रही हूँ। देखो, अगर प्लांट की हाइट, कोई प्लांट है या पी प्लांट को हम ले रहे हैं, पी प्लांट, तो इसकी हाइट की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो हाइट पे अगर ले रहे हैं तो प्लांट अगर है तो एक कैसा है? टॉल। ठीक है, दूसरा कैसा है? ड्वार्फ। ठीक है, ड्वार्फ को हम स्मॉल टी से डिनोट करेंगे एंड टॉल को कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। अब क्या है कि दोनों के बीच में हम क्रॉस करवाएंगे। दो प्लांट अगर ले रहे हैं जिसकी हाइट एक टॉल एंड सेकेंड वन इज स्मॉल, आपका दिया गया ड्वार्फ, दोनों को जब क्रॉस कराते हैं तो आपका दोनों का इफेक्ट शो होगा। दिस वन इज कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन आपको जो कैरेक्टर मिलता है, यानी जो प्लांट मिलता है, नया प्लांट मिलेगा, ये कैसा हो जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो ये कैपिटल टी जो टॉल है, ठीक है, तो ये कैपिटल टी टॉल है, तो ये अपने ऊपर क्या करता है? ये जो स्मॉल टी है इसके ऊपर अपनी डोमिनेंसी दिखाता है। ठीक है, अपने ऊपर उसको क्या करता? हावी नहीं होने देता। अगर छोटा प्लांट है तो छोटे प्लांट के आगे क्या होता है? जो बड़ा वाला प्लांट है उसका कोई भी अपियरेंस, ठीक है, सो होने लगता है। तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिला कि अगर टॉल प्लांट है तो डॉर्फ प्लांट को क्या करता है? अपने नीचे रखता है। तो यहाँ पर डोमिनेंसी आपको शो होता है। थोड़ा सा हम आपको लाइफ से रिलेटेड एक एग्जांपल बता दे रहे हैं। सपोज आप अपने घर में देखोगे कि आपके फादर और मदर, ठीक है, अगर दोनों में से कौन डोमिनेंट है, ठीक है, ये देख लेते हैं। तो अगर मान लो कि आपके फादर थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, और मदर थोड़ी सी नॉर्मल है, तो जनरली होता है कि आपके घर पर कि जो फादर है उनकी सारी बातें, जो भी चीजें हैं उनकी मानी जाती है। तो और घर पर भी क्या होता है कि अगर मदर से आप कहते हो कि हमें ये चीज चाहिए तो आपकी मदर क्या कहती है? हाँ, ठीक है, मिल जाएगा। लेकिन उसी टाइम, सडन उसी टाइम आपका होता क्या है कि आपके फादर है और आपके फादर क्या करते हैं कि आपकी मदर से कोई अलग काम कहते हैं। तो उस टाइम आपकी मदर करती क्या है कि आपके काम को थोड़ी देर के लिए साइड में रखती है और आपके फादर का जो काम है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है। मतलब क्या है कि आपके घर में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी है? फादर की है। यानी कि घर पर डोमिनेट कौन है? फादर। यानी कि फादर ने पहले बाद में कहा और उनकी बात पहले मानी गई। तो डोमिनेंसी किसकी देखी जा रही है? फादर की देखी जा रही है। तो इस तरह करके लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या है कि अगर कोई फैक्टर या कोई जीन है तो उसमें पेयर्ड फॉर्म में पाया जा रहा है। पेयर्ड में दो हो गए आपको, तो एक आपको कैपिटल टी, एक स्मॉल टी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कैपिटल टी है तो कैपिटल टी का साइज क्या है? बड़ा है, हाइट में वो लंबा है। और दूसरा क्या है? स्मॉल टी इज, हाइट क्या है उसका? थोड़ा सा कम है। तो जो कैपिटल टी है, यानी कि जो भी प्लांट आपका है जिसकी हाइट क्या है? टॉल है, वो छोटे वाले प्लांट को क्या कर रही है? अपने ऊपर डोमिनेट कर दे रही है। और इसी कैरेक्टर को, इसी लॉ को हम क्या कहेंगे? लॉ ऑफ डोमिनेंस। और ये क्या है? मेंडल्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया आपको कि व्हाट इज जेनेटिक्स, क्या होता है जेनेटिक्स, इसके छोटे छोटे टर्म्स क्या है हमने बताया। उसके बाद मेंडल्स लॉ है, उन्होंने क्यों लॉज दिया और कितने लॉज दिए, कब प्रपोज किया, कौन से प्लांट को उन्होंने चूज किया और जिस प्लांट को उन्होंने चूज किया उसका रीजन क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने बताया। फिर मेंडल्स के फर्स्ट लॉ क्या है इसके बारे में डिस्कस किया। सो नेक्स्ट लॉ जो आपका है, लॉ ऑफ
सेग्रीगेशन। सो इस लॉ को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। सो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।